हेलो एवरीवन, चलिए आज आपको लेके चलते हैं एक नई जगह जो आप चलोगे दिव्य के साथ में। तो हम लोग चल रहे हैं शीतला धाम मंदिर, जो कि है शीतला मंदिर जिसको कहते हैं, वो है गुड़गांव में और ये है एक सिद्धपीठ मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर। तो बस हम लोग यहाँ पे कुछ पूजा का सामान ले रहे हैं, मतलब फ्लावर वगैरह, फूल माला, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं। और चलिए अभी हमारे साथ चलिए और करते हैं हम लोग दर्शन माँ शीतला जी के। हम लोग ने प्रसाद ले लिया है और अब हम पहुंच गए हैं शीतला माँ के गेट, मेन टेंपल के गेट पे। आप जो देख पा रहे हो मेन टेंपल का गेट है, अब इसके अंदर से जाना है। हालांकि भीड़ बहुत होती है यहाँ पे, तो बस है ट्यूज़डे। हम लोग मॉर्निंग में निकले थे, संडे का टाइम था तो हम लोग मॉर्निंग में निकले जल्दी जल्दी, तो इतना क्राउड नहीं था। बट जैसे जैसे हम लोग दर्शन करके बाहर आए और भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि सिद्धपीठ मंदिर है तो लोगों की बहुत मान्यताएं हैं, तो लोग वहाँ आते भी बहुत ज़्यादा हैं। अब हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के अंदर, आप देखो कितनी भीड़ है। और अब सुनाते हैं आपको मंदिर के अंदर घंटियों की आवाज़, जो कि बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांति देने वाली होती है। तो आइए आप करिए माँ शीतला के बिल्कुल सीधे सीधे साक्षात दर्शन। ये हम लोग का सेकंड टाइम है टेंपल में, हम लोग सेकंड टाइम आए हैं और दिव्य के लिए ही आए थे पहले भी, और इस बार भी हम लोग, दिव्य की एक्चुअली तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम लोग ने सोचा था कि यहाँ दर्शन करेंगे जब वो ठीक हो जाएगा, तो बस हम लोग इसलिए आए हैं। अब आप देखोगे भीड़ में दिव्य चढ़ जाते हैं डैडी के ऊपर, मीन्स कभी शोल्डर पर और कभी गोद में, और यहाँ पर दिव्य ऐसे ही दर्शन करते हैं। कहीं भी टेम्पल वगैरह में जाते हैं तो डैडी के शोल्डर पर बैठ के ये पूरा दर्शन कर लेते हैं। जय हो माँ शीतला की। हम लोग फाइनली अंदर आ चुके हैं और यहाँ सिक्योरिटी भी काफ़ी है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो आप भी करिए देखिए माँ शीतला के बहुत अच्छे से दर्शन। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, और ये मंदिर से निकल के एक स्पेस बना हुआ है अलग से, जहाँ पे आप दीपक जला सकते हो, धूपबत्ती वगैरह कर सकते हो। मंदिर के अंदर ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ आपका प्रसाद चढ़ेगा और आपको प्रसाद रिटर्न मिलेगा। ये जो आप पीछे देख पा रहे हो, ये है मंदिर का बैक गेट जहाँ से निकलते हैं, और बीच का ये सारा एरिया है जहाँ पे फिर भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। और हाँ, ये आप देखो भैरव बाबा का दर्शन यहाँ करते हैं। यहाँ पे एक शीतला माँ का वो बना हुआ है, एक पवित्र मिट्टी जैसे कुएं की तरह बनी हुई है, मिट्टी वहाँ से लोग इकट्ठा करके ले जाते हैं। पीछे लोग अपना घर वगैरह बना रहे हैं ईंट का, कि ऐसी मान्यता है ना अपने हिंदू कल्चर में कि अगर आप कहीं धार्मिक स्थान पे जाओ, वहाँ पे घर बनाओ तो आपके घर बनते हैं, तो ऐसा ही है, ऐसा लोग मानते हैं। और यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन किया हम लोग ने, और हम लोग अब निकल रहे हैं बाहर की तरफ। इसके आगे भी चल के दिखाते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप सबको पता होनी चाहिए, शायद पता भी होगी, तो बस आगे आके बताते हैं आपको। शीतला के दर्शन करने के बाद माँ चौगन्ना का दर्शन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है यहाँ पे, तो हम लोग वहीं के लिए निकल गए हैं। और अगर आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ आगे सारी चीज़ें नहीं मिल जाती हैं। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं घर, आ गए हम लोग घर दर्शन वगैरह करके, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।